करना पड़ता है, तो मुझे भी उस समय क्रिकेटर बनाया गया। उस समय अंदर जिला कार्यालय के अंदर एकत्रित हुए हैं। ब्लैक डे जो जिसके हमें मनाया जाता है आजकल, तो जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपने पद को बचाने के लिए, प्रधानमंत्रीशिप को बचाने के लिए इमरजेंसी भारत के अंदर लगाई थी, उस समय हम सुनते थे, रेडियो हुआ करते थे, टेलीविजन तो हुआ नहीं करते थे, तो उस समय बीबीसी लंदन के रेडियो ने न्यूज दी थी उस समय कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने आप पद को बचाने के लिए भारत में इमरजेंसी लगा दी है। तो उस समय जो भी उसके खिलाफ बोलता था उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता था, जैसे कि जयप्रकाश नारायण और बड़े बड़े लीडर ऐसे डाल दिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी 3 साल जेलों में रहे। इसी को चलते हुए कठुआ के अंदर भी जेल भरो आंदोलन चला, जो कि यहाँ का पहला जत्था विनोद कुमार और अंचल दास का चला था। उसके बाद और जत्थे चलते थे, जेल भरो आंदोलन चलता गया, जो भी कार्यकर्ता अंडरग्राउंड अपरग्राउंड थे उनको अरेस्ट कर देते थे, भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकते थे, तो इसी सभी को अरेस्ट कर लिए थे। हमारे कई साथियों ने जैसे अभी अश्विनी कुमार जी को भी सम्मानित किया, सभी को आज सम्मानित किया है। तो कई कई साल जेलों में रहे, डेढ़ डेढ़ साल तक जेल में रहे, उसके बाद जब इमरजेंसी टूटी सभी को छोड़ दिया गया। जब उसमें कहते थे कि माफी मांगो चल जाओ, एफिडेविट लिख के दो चले जाओ, छोड़ देंगे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जज्बा था कि वो कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था। हम भारत माता की जय बोलेंगे, जेल गांधी कोर्ट के अंदर भी भारत माता की जयकर जयघोष लगता था। तो मैं भी उस समय इनके साथ काम करता था, जैसे कि मैं अंडरग्राउंड वर्कर काम कर रहा था, ओवरग्राउंड भी कर रहा था, पोस्टर लगवाने या जेल के अंदर न्यूज़पेपर पहुंचाना, हर हफ्ते भी महीने की 2 बार जेल के अंदर जाना इनको मिलने के लिए, और इनकी गतिविधि को पता करना और इनको जो हर सामान उधर मुहैया कराना, ये मेरी उधर उस समय ड्यूटी होती थी। मैं जब बड़े बेखूबी अपनी ड्यूटी निभाता था। हम सभी कार्यकर्ता एक दिन हम लोग बैठे थे तो वैसे भी सोचे थे कि जितने हमारे पुराने जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने इस पार्टी के लिए, संगठन के लिए क्या क्या किया है, और हम लोग उनके सम्मान का एक कार्यक्रम बनाने का एक प्रयास कर रहे थे। लेकिन अभी थोड़े ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से हमें ये मौका मिला है। आज का दिन जो 25 जून का जो दिन है, जिस प्रकार से मेरे साथियों ने, मेरे पुराने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरे बुजुर्गों ने बताया कि किस प्रकार से उस 25 जून को जो आपातकालीन का जो समय था, इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करते हुए इमरजेंसी लगाई थी, और इमरजेंसी में हमारे जो संगठन के जो कार्यकर्ता उस समय के जो थे, उन लोगों ने क्या क्या फेस किया, किस तरह से उस समय पूरे देश की जो स्थिति रही है, और हमारे जो कठुआ में कौन कौन कार्यकर्ता जो है वो जेल में रहा है, और कौन कौन से हमारे जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता है, जिस प्रकार अभी मेरे साथी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के हमारे पूर्व के जो अध्यक्ष रहे हैं अशोक खजूरिया जी, जो उस समय एबीवीपी के नेता होते थे, वो भी यहाँ कठुआ के अंदर जेल में बंद थे। उनके साथ वैद्य विष्णु दत्त जी और कठुआ के हमारे जो प्रमुख लोग थे, यहाँ मदन जी, यहाँ के गुरुप्रकाश जी और अंचल दास जी, ऐसे न जाने सैकड़ों कार्यकर्ता थे जो उस समय उन्होंने अपना, मैं कहूँगा, एक संगठन के प्रति वफादारी दिखाते हुए आपातकालीन समय में जो संगठन के लिए काम किया था, ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने आज एक सम्मानित कार्यक्रम रखा था। और मुझे ये कहते हुए बहुत सौभाग्य मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज इतने सारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका आशीर्वाद हम सबको मिला है।